हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुनीताज किचन। आज मैं चीज़ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम बटर ले लिया है, थोड़ा सा बचा लेंगे। एक बोल में हम इसे डालकर इसमें सीजनिंग मिला देंगे, गार्लिक ब्रेड सीजनिंग। ये 5 रुपये वाला पैक है। और यहाँ पर बटर थोड़ा सा हार्ड रह गया है, मैं इसे फ्रिज से जल्दी निकालना भूल गई थी। आप इसे जल्दी निकाल दीजिएगा ताकि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए। और यहाँ पे मैंने गार्लिक ब्रेड मसाला को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ब्रेड की 4 स्लाइसेस ले ली है। और हम बटर को स्प्रेड कर लेंगे स्लाइसेस में, ये देखिए इस तरह। और दूसरी स्लाइस के ऊपर भी हम बटर लगा लेंगे। और ये देखिए, मैंने दूसरी स्लाइस में भी बटर लगा लिया है। अभी हम इसे साइड में रखते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चीज़ क्यूब्स का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चीज़ क्यूब का इस्तेमाल किया है, आप 1 की जगह 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है। अब हम इसे कवर कर देंगे। अच्छा, जिस ब्रेड में हमने बटर स्प्रेड किया था उसे अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ भी हम बटर लगाएंगे। ब्रेड के तीनों साइड मैंने बटर लगा लिया है। और तवा में हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे और जिस तरफ मैंने बटर का इस्तेमाल नहीं किया है उसे नीचे की तरफ रखेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे थोड़ा कलरफुल दिखने के लिए, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और कवर करके लो फ्लेम में हम 1 मिनट के लिए सिकने देंगे। 1 मिनट बाद हम ढक्कन हटा देंगे और इसे पलट कर दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लेंगे। मैंने ब्रेड के 3 तरफ बटर लगाया था, आप 4 जगह भी लगा सकते हैं। 50 ग्राम बटर में सीजनिंग मिला के चारों तरफ आप बटर लगा दीजिए। और यहाँ पे हमारा गार्लिक ब्रेड सिक तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, दोनों ब्रेड तैयार हैं। झटपट बनने वाली गार्लिक ब्रेड की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।